बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ इंदौर के राजवाड़ा पर बैंक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। पिछले करीब एक हफ्ते में देश की बैंकिंग सेवा काफी प्रभावित रही है। 5 दिनों में से एक बार बैंक खुलने के बाद आज फिर देश के बैंक बंद रहेंगे। विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ और वेतन संबंधी समझौते में देरी के विरोध में देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसका असर आर्थिक राजधानी इंदौर में भी देखने को मिला। शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। एक सप्ताह से कम समय में बैंकों में यह दूसरी हड़ताल है। इससे देश भर में बैंकिंग सेवाओं पर खासा असर पड़ा है। इससे पहले विलय और वेतन संशोधन पर बातचीत को जल्द निष्कर्ष पर पहुंचाने को लेकर बीते 21 दिसंबर को भी हड़ताल की थी। आज बुधवार को होने वाली हड़ताल के बारे में बैंकों ने अपने ग्राहकों को जानकारी दे दी थी। कर्मचारियों ने विलय के विरोध के अलावा जल्द से जल्द वेतन समझौते की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा सितम्बर के महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, देना बैंक के जो आपस में एकीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया है, बैंक कर्मचारी अधिकारियों की यूनियन उसका विरोध कर रही हैं। हमारा प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आज हमारी हड़ताल भी है। आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। बैंकों के मर्जर का विरोध करने का कारण ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो 7 एसोसिएट बैंक 2008 से आज तक मर्ज हुई, उनके मर्ज होने के बाद 2008 से आज तक 10 साल में 5,981 बैंक शाखाएं बंद कर दी गई। केवल एक बैंक की 5,981 शाखाएं बंद कर दी गई। इससे न केवल जनता को नुकसान हुआ बल्कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों को भी दिक्कत हुई, उनके ट्रांसफर हुए, उनके VRS हुए, उनको निकाला गया। इसलिए बैंक कर्मचारी अधिकारियों की यूनियन इसका लगातार विरोध कर रही है। आगे जो भी मर्जर होंगे हम उनका विरोध करेंगे। इस हड़ताल में देश की सारी बैंकें, देश की 21 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 25 में से 11 फॉरेन बैंक, ये सारी बैंकें शामिल हैं। इसमें सारी यूनियन बैंकों में 4 अधिकारियों की यूनियन काम करती है, 5 कर्मचारियों की यूनियन काम करती है, पूरी 9 की 9 यूनियन इस हड़ताल में शामिल है। बता दें कि 21 से 23 दिसंबर को भी बैंकों ने हड़ताल की थी। उसके बाद 24 दिसंबर को बैंक खुले थे, फिर 25 और 26 को छुट्टी के कारण बैंक बंद रहे थे। सरकारी बैंकों के विपरीत प्राइवेट बैंकों में सेवाएं सामान्य रहेंगी क्योंकि उनके कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।